मित्रांनो, तुम्ही जर कधी तुमच्या शेती पिकाचा विमा हा काढलेला असेल, तसेच तुमच्या शेती पिकाचं अतिवृष्टीमुळे तसेच पुरामुळे नुकसान हे झालेलं असेल, अशा वेळेस 72 तासाच्या आत तुमच्या विमा कंपनीला तुमच्या पिकाच्या झालेल्या नुकसानाबाबत तुम्हाला कळवावं लागतं. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती घेणार आहोत की पीक विमा कंपनीला आपल्या पिकाच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती ही कशा पद्धतीने द्यायची याबाबत माहिती. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीशी फोनवरती केलेली चर्चासुद्धा तुम्ही शेवटी ऐकू शकणार आहात. सर्वप्रथम मित्रांनो, तुम्ही जर कधी तुमच्या शेतीपिकाचा पीक विमा काढलेला असेल तर तुम्हाला अशा प्रकारची पावती ही संबंधित CSC सेंटर चालकाकडून ही मिळालेली असेल. मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला इन्शुरन्स कंपनी म्हणून पावतीवरती दिलेलं असेल आणि तुमच्या जिल्ह्यासाठी जी इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त केलेली असेल त्या कंपनीचं नाव तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं दिसून येईल. त्यानंतर मित्रांनो, खाली हेल्पलाईन म्हणून या ठिकाणी दिलेला एक ऑप्शन आहे आणि समोर या ठिकाणी तुम्हाला एक मोबाईल क्रमांक या ठिकाणी टोल फ्री दिलेला दिसून येईल. या टोल फ्री क्रमांकावरती कॉल करून तुम्हाला तुमच्या शेतीपिकाच्या झालेल्या नुकसानीबाबत विमा कंपनीला कळवायचं आहे. मित्रांनो, आता या ठिकाणी औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी HDFC अर्गो कंपनी ही नियुक्त केलेली होती, तर या पावतीवरती HDFC अर्गो जनरल इन्शुरन्स हे नाव या ठिकाणी आलेलं आहे. तुमच्या जिल्ह्यासाठी जी वेगवेगळी इन्शुरन्स कंपनी त्या ठिकाणी नियुक्त केलेली असेल त्या ठिकाणी तुमच्या पावतीवरती त्या कंपनीचं नाव तुम्हाला दिसून येईल. मित्रांनो, आता बऱ्याच जणांकडे ही पावती नसेल, हरवली असेल किंवा फाटली असेल किंवा इतर काही कारणामुळे त्यांच्याकडे नसेल, तर अशा वेळेस मित्रांनो, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचं पेज तुमच्यासमोर या ठिकाणी ओपन होईल. तर या ठिकाणी समाविष्ट जिल्ह्यांची नावं तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल आणि संबंधित जिल्ह्यांसाठी कोणती विमा कंपनी ही नियुक्त केलेली आहे त्या कंपन्यांची नावे तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येतील आणि त्या कंपन्यांचे टोल फ्री क्रमांक विमा क्लेम सादर करण्यासाठीचा तुम्हाला या ठिकाणी या कॉलममध्ये दिसून येतील. ज्यांच्याकडे पावती नसेल, हरवली असेल, अशांनी त्या लिंकवरती क्लिक करून आपल्या जिल्ह्यासाठी नियुक्त विमा कंपनी त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता व संबंधित टोल फ्री क्रमांकावरती आपण कॉल करू शकता. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावरती कॉल केल्यानंतर संबंधित कंपनीचा प्रतिनिधी विमा दावा दाखल करून घेण्यासाठी कोणकोणती चर्चा करतो ते आता या ठिकाणी आपण लाइव रेकॉर्डिंग या ठिकाणी ऐकूया. HDFC अर्गो में आपका स्वागत है, बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ आपकी. सर, मैं पीक विमा काढलेला होता. सर, हिंदी में बात कर पाएंगे? सर, मैंने पीक विमा निकाला था जी. तो अभी जो बारिश हुई थी तो उसमें काफी सारा नुकसान हुआ है. तो रजिस्टर करना था मुझे. हाँ जी, ठीक है. बैंक अकाउंट नंबर बताइए सर. बैंक अकाउंट की जरूरत होगी जी. जी, जिससे आपने इंश्योरेंस लिया है. ओके, ओके, वो बैंक अकाउंट नंबर. मतलब इंश्योरेंस, देखिए मैंने तो इंश्योरेंस CSC पोर्टल से निकाला था. तो हाँ, वहाँ पर जो बैंक अकाउंट नंबर सबमिट किया था वो चाहिए आपको? हाँ जी जी, बिल्कुल. जी हाँ जी. ओके, दो फसल है आपकी, कॉटन है, मेज है, कपास, मक्का. हाँ जी, ठीक है. वन बाय वन हो जाएगा, कॉल पे बने रहिए. आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट बताइए. आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट. ओके, यस यस. मोबाइल नंबर यही रहेगा, कॉलिंग नंबर, अदर कोई नंबर देंगे? यही नंबर. ठीक है, आपको बताना चाहूँगा जो एरिया है ये 0.991 हेक्टेयर में है, 91 हेक्टेयर और जो सर्वे नंबर गढ़ संख्या होती है वो. हाँ जी हाँ, ठीक है. कॉटन कब लगाया था आपने, डेट बताइए कपास लगाने का. सर, अब इतनी डेट तो मुझे अभी तो याद नहीं है. फिर भी सर एक डेट बतानी होती है, हम मेंशन करना है हमें. मैंने ऑलरेडी सबमिट की फॉर्म, भरते टाइम पे जो फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता था ना, तो उसमें ऑलरेडी मैंने सबमिट किया है ये सब चीज. ठीक है, आपने सबमिट किया होगा सर, बट वो डिटेल्स तो अभी नहीं मैं चेक कर पाऊंगा. तो अभी मैं कुछ अलग बोल दूंगा, वो मैच नहीं होगी वहाँ पे, फिर से कुछ क्वेरी जनरेट हो जाएगी. नहीं नहीं, ऐसा कोई एग्जैक्ट डेट का वो नहीं है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. ठीक है, कॉल पे बने रहिए. हेलो. हाँ जी. यस सर, आप बता दीजिए कोई भी डेट, कोई ऐसा नहीं है, आप आसपास की डेट बता सकते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट डेट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि एग्जैक्ट डेट ही बतानी है. 25 जून कर दो फिर. 25 जून.
2021। कितना बता रहे हैं? 20 25 25 मंथ जून जून जून, ठीक है। लॉस होने की डेट बताइए, खराब कब हुआ है? 13 तारीख को, अक्टूबर अक्टूबर। रीजन क्या है खराब होने का? क्रॉप बारिश बहुत हो गई सर, बारिश की वजह से हैवी रेनफॉल हो गया। हाँ जी, ठीक है। ओके, कंडीशन क्या थी स्टेटस क्रॉप की? ये आपका कपास पक गया था, कच्चा था, या अभी मतलब आपने पकने वाला था, कैसा था? ठीक है, विलेज नेम बताइए एंड डिस्ट्रिक्ट नेम। विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम। ओके, क्लेम रजिस्टर्ड हो गया है, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ गया होगा कपास का, ठीक है। इसे संभाल के रखिएगा, नेक्स्ट आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ओके ओके, नेक्स्ट आपकी फसल ले लेते हैं, कॉल पे बने रहें। मेज लगाने की डेट बताइए, मक्का कब लगाया था? तो ये भी डेट अब मतलब जो फॉर्म फिलअप करते वक्त डाली थी वो तो याद नहीं। कोई एग्जैक्ट, हाँ वहाँ पे तो होगी बट कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बतानी आपको, आप बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो 27 जून कर दी। 27 जून, ठीक। एक्सपॉइल होने की ये सेम रहेगी? सेम सेम सेम, ठीक है। तो सर्वे नंबर है सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा 0.91 हेक्टेयर में। जी जी, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन थी? पक गया था, कच्चा था? अभी पक गया था। ठीक है ठीक है सर, मक्का पे की कंप्लेंट दर्ज हो गई है, मैसेज आ गया होगा आपके नंबर पे, ठीक है। और कोई सहायता कर सकता हूँ सर? अब आगे की प्रोसीजर कैसे रहेगी? आगे का प्रोसेस रहेगा सर, 10-15 वर्किंग डेज में सर्वे होगा, ठीक है। सर्वे होने के बाद डेटा जाएगा गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होगा, और एक जब डेट फिक्स होती है डिसबर्समेंट की, जो अमाउंट होता है वो आपके खाते में क्रेडिट होने की, गवर्नमेंट जब एक डेट फिक्स करेगी उस टाइम पे सबको मिलेगा, ठीक है। चलिए, ओके सर। मुझे मेरा अभी स्टेटस कैसा रहेगा मतलब, तो उसकी जानकारी फिर से कहाँ से मिलेगी मुझे? हाँ, अभी मगर... तो आपको वेट करना है 10-15 वर्किंग डेज, उसमें सर्वे हो जाएगा, तो आपको अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वो क्वेरी करते हैं, आपसे मांगा जाता है, तो आपको अवेलेबल कराना है, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपको वेट करना है, जब भी गवर्नमेंट की तरफ से वो आएगा पैसा, तो फिर वो आपके अकाउंट में, जो भी आपने अकाउंट दिया उसमें क्रेडिट हो जाएगा। और आगे की अगर कोई बीच में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए, यही नंबर पे आपको कॉल करना है, जो आपके नंबर पे मैसेज आया है क्लेम नंबर ये बताना है, तो आपको स्टेटस बता दिया जाएगा कि किस स्टेज में है अभी। ओके, ठीक है, चलेगा। हाँ, कोई भी क्वेरी हो इसी नंबर पे कॉल करिए, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सर। ओके सर, एचडीएफसी अर्गो में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका समय से बहुत। थैंक यू सर।